यहाँ पे एक क्लास है एम्प्लॉय, जिसमें एक मेंबर है सैलरी, उसका डेटा टाइप है फ्लोट, ठीक है। सेकंड क्लास है यहाँ पे प्रोग्रामर, जिसका यहाँ पे डेटा टाइप है बोनस, और उसका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है, ठीक है। तो प्रोग्रामर जो है सब क्लास है एम्प्लॉय का, प्रोग्रामर क्लास जो है वो सब क्लास है एम्प्लॉय का, मतलब एम्प्लॉय इनहेरिट हुआ है इस प्रोग्रामर क्लास में। मीन्स यहाँ पे सैलरी जो है वो प्रोग्रामर के अंदर भी अवेलेबल होगी, ठीक है। एज डिस्प्लेड इन द अबव फिगर, द प्रोग्रामर इज द सब क्लास एंड एम्प्लॉय इज द सुपर क्लास। द रिलेशनशिप बिटवीन द टू क्लासेस इज प्रोग्रामर इज ए एम्प्लॉय। क्या बोला जाएगा इसको? प्रोग्रामर इज ए एम्प्लॉय, ओके। एम्प्लॉय तो है ही वो, साथ में प्रोग्रामर भी है, ठीक है। इसको ऐसा बोल सकते हैं, प्रोग्रामर है और साथ में वो एम्प्लॉय भी है। मीन्स उसके पास एम्प्लॉय की जितनी प्रॉपर्टीज है उसको भी एक्वायर किया हुआ है, साथ में प्रोग्रामर का तो है ही उसके पास, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रोग्रामर इज ए एम्प्लॉय, मतलब दोनों के बीच में इज ए रिलेशनशिप यहाँ पे मेंटेन किया जा रहा है, ओके। जो हम लोग यहाँ पे डायग्राम यहाँ पे देखिए, इसी को हम लोग इम्प्लीमेंट किए हैं प्रोग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, क्लास एम्प्लॉय फ्लोट सैलरी इक्वल टू 40,000 से हमने इनिशलाइज कर लिया। देन उसके बाद क्लास प्रोग्रामर हमने बनाया। अब प्रोग्रामर में हमने इस एम्प्लॉय को इनहेरिट किया यूजिंग एक्सटेंड्स कीवर्ड। एक्सटेंड कीवर्ड लगा के हम लोग ने इस एम्प्लॉय क्लास को इसमें हम लोग ने इनहेरिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद एक हम लोग ने यहाँ पे डेटा मेंबर बनाया बोनस, जिसका डेटा टाइप है इंट, और इसको 10,000 से इनिशलाइज कर दिया। देन उसको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमने लिया, उसके अंदर प्रोग्रामर का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, किसका बनाया? प्रोग्रामर का। प्रोग्रामर का बनाने से क्या होगा कि बोनस और सैलरी दोनों का दोनों इसके अंदर अवेलेबल होगा, मतलब पी जो ऑब्जेक्ट है वो बोनस और सैलरी दोनों को होल्ड करके रखेगा। देन उसके बाद यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन प्रोग्रामर सैलरी इज पी डॉट सैलरी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट बोनस ऑफ प्रोग्रामर इज पी डॉट बोनस। इस टाइप से हम लोग इसको कॉल कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग को 40,000 और 10,000 मिल जाएगा। तो इस प्रकार का हम लोग को कुछ आउटपुट देखने के लिए मिलेगा। प्रोग्रामर सैलरी इज 40,000.0, क्योंकि ये फ्लोट है तो यहाँ जीरो मिलेगा। बोनस ऑफ प्रोग्रामर इज 10,000, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोग्रामर जो क्लास है वो अपने डेटा मेंबर को तो एक्सेस कर ही रहा है, साथ में किसके डेटा मेंबर को एक्सेस करेगा? इस एम्प्लॉय के भी डेटा मेंबर को एक्सेस करेगा। मीन्स जो यहाँ पे फ्लोट सैलरी है और यहाँ इंट बोनस, दोनों के दोनों एक्सेस होंगे। और भी अगर इसके अंदर मेथड होते, इस क्लास के अंदर और भी मेथड्स अवेलेबल होते तो उसको भी वो एक्सेस करता। मीन्स एम्प्लॉय क्लास के अंदर जितने भी डेटा मेंबर होंगे, या तो डेटा वेरिएबल हो या मेथड, सबके सब इसके अंदर एक्सेसिबल होंगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ऑन द बेसिस ऑफ क्लास देयर कैन बी थ्री टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा, सिंगल, मल्टी लेवल एंड हायरार्किकल, ठीक है। क्लास के अगर बेसिस पे हम लोग देखें तो हमारे पास तीन टाइप के मेनली इनहेरिटेंस होते हैं जावा में। एक होता है सिंगल, मल्टी लेवल और हायरार्किकल, ठीक है। तो सबसे पहले सिंगल हम लोग इनहेरिटेंस यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए एक क्लास ए है और एक क्लास बी है। अगर क्लास बी ए को इनहेरिट करता है, एक ही क्लास को इनहेरिट करता है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये सिंगल इनहेरिटेंस होगा। अगर एक क्लास है ए, एक क्लास है बी, एक क्लास है सी, ठीक है। सी इनहेरिट किया बी को, फिर बी इनहेरिट किया हुआ है ए को, इसका मतलब क्या हुआ? ये मल्टी लेवल हो गया। मतलब क्लास ए को इनहेरिट किया है बी ने, फिर बी को इनहेरिट किया है सी ने। अब सी जो क्लास होगा वो ए के और बी के, ठीक है, दोनों के डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। मीन्स ए और बी दोनों को करेगा। नेक्स्ट आता है हायरार्किकल।
यहाँ क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है। क्लास बी और सी एक सिंगल क्लास को इनहेरिट किए हुए हैं, क्लास ए को। मीन्स ए के अंदर अगर कोई भी डेटा मेंबर या फिर मेथड्स है, वो बी भी एक्सेस कर सकता है और सी भी एक्सेस कर सकता है, दोनों के दोनों एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे थ्री टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं, सिंगल, मल्टी लेवल और हायरार्किकल। तीन टाइप के यहाँ पे इनहेरिटेंस होते हैं। और भी इनहेरिटेंस होते हैं, दो टाइप के और होते हैं, मल्टीपल होता है और एक हाइब्रिड होता है। लेकिन यहाँ पे हाइब्रिड या फिर मल्टीपल इसको बनाया जाता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्लास ए है या फिर क्लास बी है, ठीक है, दोनों को इनहेरिट किया हुआ है क्लास सी ने। लेकिन जावा में ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो जावा में एक्सेप्टेबल नहीं होता है, मतलब जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं किया जा सकता है। अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस हमें बनाना है तो हम लोग को एक इंटरफेस कॉन्सेप्ट यूज करना होता है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं अपने जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है उसको अचीव कर सकते हैं। तो जावा सपोर्ट नहीं करता मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। नेक्स्ट इनहेरिटेंस आता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है कि हम लोग अगर इस टाइप का एक बनाए स्ट्रक्चर, यहाँ पे हाइब्रिड इनहेरिटेंस, यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम लोग डायमंड प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं क्लास ए है, क्लास बी और क्लास सी, ठीक है, और एक क्लास डी, ओके। देन उसके बाद क्लास ए जो है इसको क्लास बी और सी दोनों ने इनहेरिट किया हुआ है। देन उसके बाद क्लास डी जो है वो क्लास बी और सी को भी किया हुआ है। तो यहाँ पे क्लास बी, सी और डी को अगर हम लोग ले तो यहाँ पे बन रहा है हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस, जो कि पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे क्लास ए, बी, सी अगर हम लोग ले तो यहाँ पे हायरार्किकल बन रहा है, तो ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। या तो हम लोग इसको इस प्रकार से इम्प्लीमेंट करते हैं इस डायमंड प्रॉब्लम को, यहाँ डायमंड शेप में बन रहा है जो हमारा इनहेरिटेंस है, तो इस डायमंड प्रॉब्लम को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मल्टी लेवल ले लें और इस क्लास डी को हम लोग यहाँ पे इस सी में इनहेरिट किए, मतलब अगर हम लोग इसकी बात करें, एक सेकेंड, ओके, चार क्लास हम यहाँ पे ले लिए। अब क्लास ए जो है वो इनहेरिट किया बी में, ठीक है, और क्लास ए जो है इनहेरिट किया सी में। तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना, ठीक है, इतना, ये कौन सा बना, हायरार्किकल बना, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब ये क्लास बी जो यहाँ पे बन रहा है, मतलब बी जो है वो इनहेरिट कर रहा है डी में, और सी भी यहाँ इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। तो यहां से इतना बना मल्टीपल, ठीक है, जो कि जावा में सपोर्ट नहीं करता है। तो यहां पे एक प्रॉब्लम अराइज हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं डायमंड प्रॉब्लम, ठीक है। वाइवा में भी पूछा जाता है, कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो भी ये डायमंड प्रॉब्लम क्या होता है वो पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको रिजॉल्व करने का क्या तरीका है, इसको रिजॉल्व ऐसा कर सकते हैं, लाइक ये ए है, ठीक है, इसको हम लोग मल्टी लेवल में ले लें, डायग्राम वैसे ही रखें लेकिन मल्टी लेवल में हम लोग इसको ले लें, ठीक है। क्लास बी, ठीक है, ऐसा इनहेरिट होगा, ठीक है, फिर उसके बाद कैसा इनहेरिट होगा, क्लास सी, अरे यहाँ पे क्लास सी है, सी जो है वो इसमें इनहेरिट हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये बी जो है वो हम लोग डी में करेंगे, इस प्रकार से।
मतलब इसका पाथ कैसे जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा। मीन्स ए किस में इनहेरिट हुआ, बी में इनहेरिट हुआ, ठीक है, फिर बी किस में इनहेरिट हो रहा है, डी में हो रहा है, ठीक है। अब ये इससे कनेक्टेड नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि हम लोग का डायग्राम थोड़ा अच्छा बने। अब ये डी जो है वो इसमें इनहेरिट होगा, मीन्स ये यहाँ पे मल्टी लेवल में हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन डायग्राम कुछ इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ए को सी में भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं ए, ठीक है, बी, डी और सी। ए को मैंने बी में कर लिया, ठीक है, बी को मैंने डी में कर लिया, अब उसके बाद ए को मैंने सी में भी कर लिया, तो यहां से इतना जो बना वो बना मल्टी लेवल। मल्टी लेवल और इतना जो बना यहां से यहां तक ए बी सी, ये बन गया हायरार्की कर्व। तो इस प्रकार से हम लोग दो प्रकार से यहाँ पे हम लोग इस हाइब्रिड को हम लोग बना सकते हैं। एक तो पूरा मल्टी लेवल में ले लो और डायग्राम इस प्रकार से बनाओ, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टी लेवल प्लस हायरार्किकल, दोनों हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, जिससे हम लोग को मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज ना पड़े। तो यहाँ पे मल्टी लेवल हो गया और हायरार्किकल दोनों को एड अगर कर देंगे तो ये बन जाएगा हाइब्रिड, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इस प्रकार से हम लोग हाइब्रिड इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। ओके, फर्स्ट टाइप है यहाँ पे हमारा सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस व्हेन ए क्लास इनहेरिटेड इनहेरिट्स अनदर क्लास इज नोन एज सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। In the example, dog class inherits the animal class, so there is the single inheritance. अब यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है, एक example लिया है। इस example में हमने क्या किया है, एक animal class ले लिया। सबसे पहले animal class हमने ले लिया, इसमें एक void eat नाम का यहाँ पे हम लोग ने एक method बना दिया और उसमें print कर रहा है eating, उसमें print कर रहे हैं हम लोग eating। देन उसके बाद एक और क्लास लिया डॉग, यहाँ पे एक्सटेंड किया है हमने एनिमल को, ठीक है, मीन्स डॉग इज ए एनिमल, डॉग इज ए एनिमल, यहाँ पे इज ए रिलेशनशिप यहाँ पे बन रहा है, डॉग इज ए एनिमल। देन उसके बाद यहाँ पे हमने एक और मेथड बनाया और यहाँ पे हमने प्रिंट करा है बार्किंग। उसके बाद हमने थर्ड क्लास बनाया टेस्ट इनहेरिटेंस, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग ने मेन मेथड ले लिया और हम लोग ने ऑब्जेक्ट बनाया डॉग का, डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया। अब डॉग का ऑब्जेक्ट यहाँ डी बना है, डी हमने बनाया, ये डी जो है इस वॉइड बार्क और वॉइड ईट दोनों मेथड को एक्सेस कर सकता है। तो हमने क्या किया, डी डॉट बार्क और डी डॉट ईट हमने कर दिया। इसका मतलब क्या होगा कि बार को भी एक्सेस कर रहा है और ईट को भी एक्सेस कर रहा है। तो यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस में हम लोग सिंगल क्लास को इनहेरिट किया, मतलब डॉग क्लास में हम लोग ने एनिमल क्लास को इनहेरिट कर दिया यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड। तो हम लोग को आउटपुट हमारा जो आउटपुट है कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे बार्किंग और ईटिंग इस प्रकार का आउटपुट हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक क्लास और ले लिया। सिंगल इनहेरिटेंस में हम लोग ने एक क्लास को इनहेरिट किया था, अब यहाँ पे दो क्लास को इनहेरिट करेंगे, ठीक है, दो या फिर दो से ज्यादा को हम लोग इनहेरिट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। व्हेन देयर इज अ चेन ऑफ इनहेरिटेंस इज नोन एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अगर हम लोग एक या एक से ज्यादा क्लास को इनहेरिट करते हैं,
मीन्स एक चेन वहां पे क्रिएट कर हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. एज यू कैन सी द एग्जाम्पल गिवन बिलो, बेबी डॉग क्लास इनहेरिटेंस इनहेरिट्स द डॉग क्लास विच अगेन इनहेरिट्स द एनिमल क्लास. सो देर इज अ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. अब यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं. इस एग्जाम्पल में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस एग्जाम्पल में हम लोग क्या किए, एक सबसे पहले एक क्लास बनाए एनिमल और इसके अंदर हम लोग ने एक मेथड बना दिया वॉइड इट. सेकेंड हम लोग ने एक क्लास बनाया डॉग और इसमें इनहेरिट कर दिया इस एनिमल को. मीन्स एनिमल में एक मेथड है हमारे पास ईट, वो इसके अंदर भी अवेलेबल होगा. ठीक है, ईट भी अवेलेबल हो गया. अब थर्ड एक क्लास बनाया हमने बेबी डॉग. अब बेबी डॉग में यहाँ पे किसको इनहेरिट कर दिया हम लोग, डॉग को इनहेरिट किया. मीन्स डॉग ने किसको इनहेरिट किया था, एनिमल को इनहेरिट किया था. मीन्स इसके अंदर बार्क और ईट दोनों अवेलेबल है, तो अब बेबी डॉग के अंदर ईट बार्क दोनों अवेलेबल होगा और साथ में वीप भी अवेलेबल है. तो बेबी डॉग किस किस को इनहेरिट किया है, एनिमल को और डॉग को, दोनों को किया है. लेकिन यहाँ पे हम लोग ने क्या लिखा है, डॉग लिखा है, क्योंकि डॉग किसको इनहेरिट कर रहा है, एनिमल को. तो ऊपर से जितने यहाँ पे करते जाएंगे हम लोग इनहेरिट, सबके डेटा मेंबर को जो लास्ट वाला जो क्लास होगा वो इनहेरिट करेगा. मीन्स एक्सेस कर सकता है पूरे के पूरे डेटा मेंबर्स को. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग ने एक और क्लास बनाया टेस्ट इनहेरिटेंस, जिसमें हमने मेन मेथड बनाया है. ठीक है, और यहाँ पे हम लोग बेबी डॉग का क्या बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाया है डी. बेबी डॉग का ऑब्जेक्ट बना दिए डी. डी डॉट वीप, डी डॉट बार्क, डी डॉट ईट. इस प्रकार से हम लोग ने तीनों को एक्सेस करके यहाँ पे प्रिंट कर दिया. और हम लोग अगर इसका आउटपुट देखें तो कुछ इस प्रकार का आउटपुट देखने के लिए मिलेगा. वीपिंग, बार्किंग और ईटिंग, इस प्रकार का हम लोग का आउटपुट देखने के लिए मिलेगा. तो हम लोग ने यहाँ पे क्या अचीव किया, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को अचीव किया. हम लोग चाहे तो यहाँ पे और भी क्लासेस ले सकते हैं. हम लोग ने यहाँ पे जो डॉग और बेबी डॉग लिया है, ठीक है, और ये क्लास एनिमल, एनिमल पेरेंट क्लास हुआ, डॉग भी पेरेंट क्लास होगा बेबी डॉग के लिए. ठीक है, और चाइल्ड क्लास कौन सा होगा, बेबी डॉग होगा इस डॉग के लिए और ये डॉग होगा एनिमल के लिए. ठीक है, तो इस प्रकार का एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बनता है. और भी अगर जो क्लासेस होंगे तो सुपर क्लास, जो सुपर मोस्ट क्लास होगा और जो चाइल्ड मोस्ट क्लास होगा, उसके बीच के जो जो क्लासेस होंगे उसको इंटरमीडिएट क्लासेस भी बोला जाता है. मीन्स एकदम टॉप मोस्ट और एकदम लो, ठीक है, लोएस्ट, दोनों के बीच का क्या बोलेंगे हम लोग, उसको इंटरमीडिएट क्लासेस भी बोलते हैं हम लोग. तो ये था मल्टी लेवल इनहेरिटेंस.